छत्तीसगढ़ की और बात स्वच्छता की भी, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने परचम लहराया है। स्वच्छता में पाटन ईस्ट जोन में पहले और देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में अंबिकापुर सबसे स्वच्छ शहर, कोरबा दूसरे नंबर पर और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर और कोरबा भी शामिल हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भी रैंकिंग हासिल हुई है। इसमें ईस्ट जोन में पहले और देश में दूसरे स्थान पर पाटन, राज्य में अंबिकापुर सबसे स्वच्छ शहर, कोरबा दूसरे नंबर पर और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर और कोरबा भी शामिल है स्वच्छ शहरों में। आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर देश के राष्ट्रपति ने स्वच्छता के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों का वितरण किया है। हमारे प्रदेश ने जो स्वच्छता रैंकिंग में है उसमें लगभग हमारे 170 शहरों में से 100 शहरों में स्वच्छता के जो मापदंड है उन मापदंडों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। हमारे देश को प्रथम, हमारे देश में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पिछले साल भी मिला था, लेकिन इस साल हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे आए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को बराबर बराबर 11-11 अंक मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पे रखा गया है, मध्य प्रदेश को पहले नंबर पे रखा गया है। लेकिन जितने पुरस्कार मिले हैं उसमें मध्य प्रदेश से ज्यादा पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को मिले हैं। पाटन को हमारे ईस्ट जोन में प्रथम स्थान मिला है। इसी तरह हमारे प्रदेश में ODF प्लस प्लस में हम पूरे देश में पहले नंबर में हैं और स्टार रैंकिंग सिटी में भी हम पूरे देश में पहले नंबर में हैं। 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार में हम मध्य प्रदेश से बहुत आगे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो नगर निकाय क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं उससे देश में एक छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिली है। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट हेड आदित्य रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव का क्षण है। बिल्कुल, देखिए विजय जी, निश्चित तौर पर गौरव का क्षण है और गौरव का क्षण होना भी चाहिए, क्योंकि ये वो अवार्ड्स हैं जिसका इंतजार जो है सालों की मेहनत होती है। देखिए, पिछले साल आपने बेटर किया, इस साल आप और बेटर कर रहे हैं, ये 1-2 साल का काम नहीं होता, लगातार सतत प्रक्रिया है ये। 12 अलग अलग कैटेगरीज में छत्तीसगढ़ ने अपना नाम रोशन किया है। देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान है। देश का क्लीनेस्ट सिटी पुरस्कार में नगर पंचायत पाटन का दूसरा स्थान है। सेफ सस्टेनेबल सिटी का पुरस्कार नगर पालिका दुर्ग को है, 1 लाख से 3 लाख। इसी तरह से चिरमरी, भिलाई, चरोदा, जशपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, अकलतरा, विश्रामपुर और डेंस नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी इलाका है, सेल्फ सस्टेनेबल सिटी ईस्ट जोन का पुरस्कार 15,000 से कम जनसंख्या वाले में बलरामपुर को मिला, नगर पालिका परिषद को। तो 12 इसमें पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले। निश्चित तौर पर और बेटर स्थिति आने वाले समय में हम देखें ऐसी उम्मीद करते हैं। हाँ, स्वच्छता को लेकर सरकार भी जागरूक हुई है, आम लोग भी जागरूक हुए, क्योंकि केवल सरकार के भरोसे या नगर निगम के भरोसे नहीं है, आम लोग जितने ज्यादा जागरूक होंगे उतना ये स्थिति आने वाले समय में और सुधरेगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ के पाटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, उनका गृहग्राम है पाटन, उसको इतना बेटर स्थान अगर मिला है, दूसरा स्थान दिया गया है देश की क्लीनेस्ट सिटी में और उसमें 1 लाख से कम आबादी में, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो वाकई ये गौरव का क्षण है उन सफाई दीदियों के लिए भी और निगम के साथ साथ उन सफाई कर्मियों का भी जिन्होंने इसे नंबर 1 बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।